नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदी नववर्ष महोत्सव में की शिरकत, शाम को गाजियाबाद में व्यापारी सम्मेलन में भी होंगे शामिल। चुनाव के बाद बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीडिया से हुए रूबरू, कहा मतदान प्रतिशत गिरना, कांग्रेस नेताओं की हार से निराशा, पीएम मोदी पर लोगों ने जताया भरोसा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न, उधम सिंह नगर से रैन गंगवार और सुरेश गंगवार ने बीजेपी का थामा दामन, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहे मौजूद। चारधाम यात्रा के साथ साथ श्री हेमकुंड साहिब की 25 मई से यात्रा पथ से बर्फ हटाने का काम शुरू, पहली टुकड़ी हुई रवाना। और उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश के आसार, मैदानी क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 22 अप्रैल को ज्यादातर जिलों में होगी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान पूरा हो चुका है, मतदान के फीडबैक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मतदान प्रतिशत गिरने का कारण कांग्रेस नेताओं की हार से निराशा बताया। उन्होंने कहा कि मतदान के रुझान को देखते हुए उत्तराखंड की महिला, गरीब, युवा और किसान वर्ग ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे में उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीट भी शामिल होगी। वहीं मतदान में 75% वोट पाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इसके साथ वीकेंड प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में शादियां, कई क्षेत्र में मतदान का बहिष्कार सहित कई उदाहरण उन्होंने मतदान गिरने के बताए। अगले चुनावों के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने का विश्वास भी उन्होंने जताया। मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारियों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर हम अपने समर्थकों को मतदान कराने में सफल हुए हैं। कम मतदान का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस समर्थकों की उदासीनता रही है। केंद्र और प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के पहले ही हार स्वीकार करने से उनके समर्थकों ने निराश होकर पोलिंग स्टेशन तक जाने की जहमत तक भी नहीं उठाई। इसके अतिरिक्त वैवाहिक मुहूर्तों एवं एकाक मौसम से आई गर्मी ने वोटरों की टाइमिंग को प्रभावित किया है, जिसका असर वोटिंग टर्न आउट में दिखाई दिया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन बीजेपी में दूसरे दल के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला अभी तक जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के उधम सिंह नगर से जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार और उनके पति सुरेश गंगवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश पार्टी कार्यालय में बीजेपी का पट्टा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर कांग्रेस से 2022 में लैंसडाउन विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी अनुकृति गोसाई ने भी बीजेपी का दामन थामा। नेत्री को भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। अनुकृति जी का कल ही मुझे प्रस्ताव प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। मैंने भी अपने संबंधित नेतृत्व से बातचीत करने के बाद और फिर मैंने अपनी सहमति दी है। हमारे गंगवार जी, आपने क्योंकि कांग्रेस पहले छोड़ दी थी, लेकिन आपने भी दो दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है। आपको मैंने दल में आपकी एंट्री हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग की एक पद्धति है, टीम है। उस टीम के डिस्कशन के बाद अनुराग ठाकुर जी जो हमारे उत्तराखंड की ज्वाइनिंग की तो देखते हैं, वहाँ से अनुमति लेने के बाद ही हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं। अभी बहुत से प्रस्ताव हैं, धीरे धीरे वो अब सब आप तक हम पहुँचाएंगे, ऐसे लोग भी ज्वाइनिंग करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, मुझे बहुत खुशी है आज कि जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरीके से एक सपना उन्होंने विकसित उत्तराखंड का देखा है, वोकल फॉर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, ये सभी चीजें मुझे प्रभावित करती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, मैं उम्मीद करती हूं कि उत्तराखंड के केंद्र बिंदुओं को वो देखते हुए समझते हुए उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम करेंगे और हम सभी लोग उनके इस महायज्ञ में अपना योगदान देंगे। आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों से, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी नीतियों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की नीतियों से, सबकी नीतियों से खुश होकर और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो इस तरह की जो विचारधारा, जो कार्य शैली है, उसको खुश होकर हम लोगों ने अपने परिवार में पुनः वापसी की है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधु अनुकृति गुसाई, उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार, कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक सुदेश गंगवार ने भाजपा का दामन थाम लिया। तो वहीं अनुकृति गुसाई ने बयान देते हुए कहा कि वो पीएम मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है और इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अनुकृति गुसाई को सब कुछ दिया। जब वो राजनीति में नौसिखिया थी तब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया और उन्हें राजनीति में बढ़ावा देने का काम किया, लेकिन जिस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया तो अगर वो उसका सिला इस तरीके से दे रही है तो उसको जनता भी भली भांति समझ रही है और आगे आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी। शक्ति का सम्मान कौन करता है कौन नहीं करता है ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और जहाँ तक अनुकृति गुसाई की बात है, वही समय कांग्रेस पार्टी में तो थी नहीं। हाँ, विधानसभा चुनाव जरूर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा था और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि वो राजनीति में नौसिखिया थी, बहुत जो है नई नई आई थी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया, जो है बेटियों को आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प था, उसी के तहत उनको विधानसभा का टिकट दिया था। वो जीत दर्ज नहीं कर पाई तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब वो क्यों गई हैं इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो उनको सम्मान दिया, जो उनको राजनीति में एक नई पहचान दी, उसका सिला वो अगर ये दे रही हैं तो जनता भी ऐसे नेताओं को भली भांति समझ रही है, पहचान रही है और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। लेकिन आज जो ट्रेंड चल रहा है, कुछ लोग ईडी के डर से, कुछ लोग सीबीआई के डर से, कुछ लोग इनकम टैक्स के डर से, कुछ लोग स्वार्थ के कारण कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। और वो लोग छोड़ रहे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिया ही है, उनसे कभी कुछ नहीं लिया। निश्चित तौर पर समय आने पर जनता जो है उसका हिसाब किताब भी करेगी। बात सभी ईवीएम महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी है। जिलाधिकारी सोनिका ने निरीक्षण कर कहा कि स्ट्रांग रूम में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही गेट का इस्तेमाल किया जाए, इसके अलावा अन्य सभी गेट पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं इसी क्रम में जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम के सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बल के अधिकारियों को और जवानों को भी सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा यहाँ पे हमने थ्री लेयर सिक्योरिटी जो होती है लगाई है, पहले सीएपीएफ, उसके बाद पीएसी, उसके बाद पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स, और उसके ही क्रम में फिर ब्रीफिंग भी हुई है यहाँ पे। और सारी व्यवस्थाएं अब इंटैक्ट हैं और हम लोगों ने पूरी तरह से जितना भी जो गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। सभी स्ट्रांग रूम्स को सीसीटीवी की निगरानी में रखना है और क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किस तरह से वो कैमरा प्लेस होना चाहिए और किस तरह से वो दिखना चाहिए। और उसी के क्रम में हमने यहाँ पे एक पूरा सेटअप तैयार किया है और पॉलिटिकल पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट्स के हैं उनको भी रिक्वेस्ट किए कि वो आके यहाँ पे देखें इसको। शनिवार की देर रात रामनगर नई बस्ती हल्द्वा पीरू मदारा के पास वीरदा ढावा में अज्ञात कारणों के बाद लगी भीषण आग के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी उमेश चंद्र परगाई ने बताया कि शनिवार की रात कर्मचारियों को सूचना मिली कि उक्त क्षेत्र में स्थित ढाबे में भीषण आग लग गई है और इसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने ढाबे पर लग रही आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाते हुए राहत की सांस ली।
चारधाम यात्रा के साथ साथ श्री हेमकुंड साहिब 2024 की यात्रा इस साल 25 मई से प्रारंभ हो रही है। यात्रा की तैयारियों में मुख्य कार्य यात्रा पथ से बर्फ को हटाने का होता है। ये सेवा प्रारंभ से ही पारंपरिक रूप से भारतीय सेना द्वारा निभाई जाती है। आपको बता दें कि ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर MS डिल्लो के आदेशों के मुताबिक 418 इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग कोर के OC कर्नल सुनील यादव ने हर सेवक सिंह और प्रमोद कुमार के नेतृत्व में सेना के जवानों को बर्फ हटाने की सेवा के लिए भेजा और इसी के साथ गुरुद्वारा गोविंद घाट में गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में अरदास कर इजाजत लेकर पहली टुकड़ी और गुरुद्वारा के सेवादारों को गुरुद्वारा ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सेवा सिंह ने घगरिया के लिए रवाना किया। ये जत्था कल एक्लिमेशन के बाद घगरिया से श्री हेमकुंड साहिब पथ से बर्फ हटाने का काम करेगा। पिथौरागढ़ में शांतिपूर्वक निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी रीना जोशी ने बताया कि जनपद में कुल 48.19% मतदान हुआ। मतदान संपन्न होने के बाद 20 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे तक 316 मतदान पार्टियां वापस आ चुकी। बाकी वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह तक दूरस्थ क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां भी यहाँ पहुंच जाएंगी। इसके अलावा सभी पोलिंग पार्टियों को रिसीव करने के बाद स्ट्रॉन्ग रूम को सील किया जाएगा और 3 लेयर में उसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। पिथौरागढ़ में लोकसभा सामान्य चुनाव कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया। जिले की चारों विधानसभाओं की सभी 611 पोलिंग पार्टियां सकुशल मतदान करवाने के बाद वापस स्ट्रांग रूम लौटी। पोलिंग पार्टियों के आने का सिलसिला 19 अप्रैल देर शाम से 20 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे तक जारी रहा। इस दौरान सभी पोलिंग पार्टियां SLM डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ में बने स्ट्रांग रूम में आई। साथ ही स्ट्रांग रूम पिथौरागढ़ को सील किया गया जिसमें 3 लेयर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतदान संपन्न करवाने के बाद यमुनोत्री और गंगोत्री क्षेत्र के सभी बूथों से पोलिंग पार्टियां सकुशल जिला मुख्यालय लौट आई। इसके बाद इन दोनों क्षेत्रों के पोल्ड EVM और VVPAT को स्ट्रांग रूम में जमा कर उन्हें सीलबंद किया गया। पुरोला क्षेत्र की ज्यादातर पोलिंग पार्टियां सकुशल पहुंच चुकी है और दूरस्थ क्षेत्रों की कुछ पोलिंग पार्टियां देर शाम तक जिला मुख्यालय लौटी, जिसके बाद पुरोला क्षेत्र के स्ट्रांग रूम को सील करने की कार्यवाही की गई। ये सभी स्ट्रांग रूम अब त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में रहेंगे और 24 घंटे CCTV कैमरा से इनकी निगरानी रखी जाएगी। उधम सिंह नगर लोकसभा चुनाव में मतदान की वोट प्रतिशत के मामले में उत्तराखंड प्रदेश में उधम सिंह नगर जनपद दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर हरिद्वार बताया जा रहा है, जिसकी वोट प्रतिशत 62% से 63% के करीब बताई गई। इलेक्शन कमीशन की ओर से निर्देश थे कि कुछ स्थानों पर पोलिंग स्टेशनों पर ज्यादा वोटिंग हुई और कुछ स्थानों पर वोटिंग कम हुई, जिसको लेकर समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। वोट प्रतिशत के मामले में भी उधम सिंह नगर के 9 उपजिलाधिकारी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी बैठक में रहे, जिसमें ऑब्जर्वर भी मौजूद रहे और समीक्षा बैठक की गई। देखिए, मतदान के उपरांत भारत निर्वाचन आयोग के कुछ निर्देश हैं कि कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है या कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम है, इनको भी देख लिया जाए कि आखिर कारण क्या है। ये भी देखना था, कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है उसको भी हम लोग देखे आज देखेंगे या देख चुके हैं अभी तक। इसके अलावा जैसे अगर कहीं EVM खराब हो गई, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, कहीं कोई घटना घट गई, तो इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने डिटेल में We'll be right back.
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विभागीय कार्यों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से आगामी चार धाम यात्रा की तैयारियों के समीक्षा की अनुमति मिलते ही चार धाम यात्रा से संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के सभागार में बैठक ली, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज सहित एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, यात्रा काल के दौरान तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए। मैं सभी चार धाम यात्री जितने भी इस बार यात्रा में आना चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बहुत अच्छी रहेंगी। किसी भी यात्री को अगर कोई दिक्कत होती तो हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है 24 घंटे यहां पे सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छी रही है और हर प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता मदन खोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के प्रसिद्ध रामेश्वर घाट में पिछले 6-7 महीनों में ही 3 युवाओं की सरयू नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई और उससे पहले भी कई लोग अपनी जान इस घाट में गंवा चुके हैं। खोलिया ने कहा कि इतने लोगों की जान जाने के बाद भी प्रशासन अब तक नहीं जागा। प्रशासन के द्वारा रामेश्वर घाट में ना तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ना ही जल पुलिस की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सुरक्षा अति आवश्यक है, जिसमें कि घाट के किनारे किनारे चैन अगर अगर लग जाए, जल पुलिस की तैनाती की जाए, जिसके लिए हमने शासन प्रशासन को बार बार अवगत करा दिया है। अभी तक प्रशासन द्वारा इसकी कोई सूझ नहीं दी गई है। पिछले 6 महीने में 3 युवाओं की मौत हो चुकी है और खनन माफियाओं द्वारा भी वहाँ पर को खड्डे खोदे जा रहे हैं। मेरे शासन प्रशासन को आपके माध्यम से आवाज है कि उस नदी तक पे खनन भी न किया जाए। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर आभार बैठक रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा मसूरी, जिसमें लोकसभा टिहरी सीट आती है, उसमें उनके कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किए, जिससे भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी। हमारे एक एक कार्यकर्ता ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, मसूरी विधानसभा से एक बहुत अच्छी लीड हमारी प्रत्याशी माँ लक्ष्मी शाह जी को यहाँ से मिलने वाली है। और इस अवसर पर मैं अपने उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार मैंने यहाँ पर व्यक्त किया है, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता ही मेरी ताकत है। और आज ये जो मेरे को मान सम्मान जो मिला है इन कार्यकर्ताओं की वजह से मिला है। विकास नगर की कैनाल बाईपास रोड, जो दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जीवनगढ़ से सीधा हरबतपुर को जोड़ती है, जिस पर विकास नगर शहर में भारी वाहनों की आवाजाही ज्यादा होती है। आपको बता दें कि मुख्य बाजार से जाने वाला मार्ग, जो पहले से ही भारी ट्रैफिक दबाव और अतिक्रमण के चलते यातायात की समस्या से अक्सर अवरुद्ध रहता है। चंपावत के चौड़ा राजपुर के जंगल में अचानक से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते बाजबुरास का बहुमूल्य जंगल धू-धू कर जलने लगा। अपने जंगल को जलते हुए देखकर गांव के समस्त मातृशक्ति और ग्रामीण जंगल की ओर दौड़े और अपने संसाधनों से आग बुझाने में जुट गए। तो वहीं क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि आग जंगल के काफी बड़े हिस्से पर लगी थी, पर गांव की मातृशक्तियों ने हिम्मत नहीं हारी और ग्रामीणों के साथ आग बुझाने में जुट गई और कई महिलाएं आग बुझाने के दौरान झुलस भी गई।
को श्री सिद्ध पीठ बालाजी मंदिर कोसी घाट के तत्वावधान में नगर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का नगर में कई जगहों पर जोरदार स्वागत भी किया गया और पूरे शहर का वातावरण इस दौरान भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में बाहर से आए कलाकार भगवान की कई लीलाओं की झांकी के माध्यम से मंचन करते हुए श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कई वर्षों से हम लोग यहाँ पे बालाजी महाराज की एक भव्य और बहुत ही विशाल शोभा यात्रा निकालते आ रहे हैं और आज भी ये निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे हमारे भारत से जो है दूर दूर से झांकियों के कलाकार जो है यहाँ के भगवान की लीलाओं का मंचन करते हैं। बाबा के डोले के साथ सैकड़ों भक्त जो है बाबा के नाम के जयकारों के साथ भजनों के साथ जो है शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। और जैसे मैं बता दूं, आज सुबह आता है और कल के दिन यहाँ पर संकट मोचन हवन का कार्यक्रम रहेगा और परसों 23 तारीख हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा और सायकाल 56 भोग का वितरण भी किया जाएगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।